ତେଲେଙ୍ଗାନା କଥା କହିବା, ଆମେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କଥା କହିପାରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ରିପ୍ଲେସ୍ ମୁହଁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶ୍ରୀ ବେହୁରିଆ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁସରଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେ କାଷ୍ଟ ଭୋଟିଂର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ଇସ୍ୟୁର ଗୋଟେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିମ୍ବା ଚେହେରା ଦେଖି ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେଉଁଠି କାମ ଦେଲା ଆମେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଆଉ ଫ୍ରିବିସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାମ କରୁନି। ଯଦି ଫ୍ରିବିସ୍ କାମ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ଯଦି କାମ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଯିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଗରିବ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ସିଏ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଥବିର ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ସତକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିବା। ପାର୍ଟି ଚୁନାବ ପୁରେ ତାଗତ ସେ ଲଢ଼ି ବୁଥ ସେ ଲେକର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତର ତକ୍କେ जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है, और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी कि लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया यह उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया, और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर। कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि भारी जीत मिलेगी, क्या ऐसे कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जन कल्याणकारी नीतियाँ जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी। लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है, लेकिन जो जीत मिली है उसको मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है, क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं नहीं हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे। आप राज्य में आए, मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, तो पार्टी ने कहा कि सांसद में जाओ, संसद का काम करो,
वो कर रहा था, और पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया, पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ चला जाऊँगा। ये सब मनगढ़ंत है, फर्जी है और बेबुनियाद। इस प्रकार के रहते चुनाव के समय ऐसे प्रपंच होते रहते। देखुचे भारतीय जनता पार्टी कर्मी समर्थक जी मैंने अच्छा वर्तमान सेलिब्रेशन आरंभ कर सारे, और आम सबुले कही आसूचे कि 24 हूँ सेमिफाइनाल, अर्थात ए सबू राज्य में जी भल प्रदर्शन कर 2024 साधारण निर्वाचन में से सब राज्य में से दल भल प्रदर्शन करपे यही आशा देखा दूसरी। और 4 राज्य विधानसभा भोटिंग गणति आज बर्तमान जारी रही है, और देखुचे आम 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने स्थित को जाऊँगी, और कांग्रेस गोटे जगार अर्थात तेलंगाना रे कांग्रेस सरकार गठन करिपारे, और आसंता काली मिजोरम रो गणति उपरे समस्तंकर नजर रहिबो। थबीर आमे देखुचे जेमिति ट्रेंड, ए ट्रेंड रे आउ विशेष किछि परिवर्तन हला बोली पा संभावना देखा दोउनी, केवल औपचारिकता भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य रे सरकार गठन करबा परिस्थिति रे निश्चित भाबरे जदि आपण बीजेपी को मिली आर गोटे इंपैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स रे पड़ो कि से ही चर्चा सामनाक आसूँ, कारण गोटे पटे मोदी विरोध में अगर राजनीतिक दल मैंने एकाठी होती इंडिया मेट सामनाक आसी जहाँ कह जा बिल्कुल श्रीयुक्त शीतल तरंग बेहूरिया जमीती आम कहते कि जातीय राजनीति उपर यार कौन प्रभाव पड़ो, और पूरा देशवासी से ही अपेक्षार रही यार प्रभाव को आप कमी वर्णना करेंगे केमी विश्लेषण करेंगे। नहीं देखो सबू इलेक्शन टू डिफरेन्ट, कितु डेफिनेटली यहाँ गोटे आडभांटेज दब बीजेपी को, बीजेपी जी रैंक एंड फाइल्स अच्छा बीजेपी जी लीडर्स अच्छा गोटे निश्चित भाव गोटे मोराल बुस्टर हम फेस करने आपणकर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। तो मोर जहाँ गोटे धारणा जदि यही ट्रेंड जारी रुहे ताले बीजेपी पूरी कंफर्टेबल विन कर जनरल इलेक्शन रे, किंतु कांग्रेस रो मु जस्ट आपण कला पूर्व कांग्रेस रो प्रॉब्लम कथा कहूँ जे कांग्रेस रो प्रॉब्लम हूँ एया जे सी सत को आक्सेप्ट करूना सबुबले मिछ उपरे बेसी इम्पोर्टेंस दौंती। तार एग्जांपल आपण देखंतु ये मैडम बर्तमान बसते कहले जो तेलंगाना रे विजय हला सेटा राहुल गांधी को पाई विजय हला, सी प्रचार जाई कले कौन जो भारत जोड़ यात्रा से कले सी बिल्कुल क्रेडिट देलेनी तांकर लोकल लीडर माने जो माने कंटिन्यूसली एफर्ट तांकर थिला टू विन तांकर इम्पोर्टेंस बेसी हवा कथा। एट द सेम टाइम जो छत्तीसगढ़ रे डिफीट पाई सी कहते किए से राहुल गांधी दायी हेलेनी से कोविड दायी है यही सब जो कथा आमती।